LG स्मार्ट LED के अंदर जो है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी कैसे की जाती है। हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं LG के स्मार्ट LED के अंदर जो है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी कैसे की जाती है, कैसे आप TV का साउंड विदाउट वायर के जो है आप अपने होम थिएटर पर जो है प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्ट LED के जो है मॉडल नंबर की। जो है LED आ जाती है LG कंपनी की, इसका मॉडल नंबर आता है 32LQ 570 BPSA और 2023। जो ये LED आ जाती है LG कंपनी की, यह जो है 2023 का जो है नया मॉडल आ जाता है। साथ ही जो है आपको इस स्मार्ट LED के अंदर जो है ये फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें नेटफ्लिक्स, उसके अलावा फीफा, G5, हॉटस्टार, G सिनेमा, बाकी ये सारी जो एप्लीकेशन है ये जो है आपको सबसे पहले होम पेज पर मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको इस स्मार्ट LED के अंदर जैसे YouTube वगैरह चलाना है या अगर कोई भी अदर आपको एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करनी है तो जो आप इसके ऐप स्टोर से जो आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो ये LG की LED आ जाती है, इसका अपना सॉफ्टवेयर आ जाता है। इसका जो सॉफ्टवेयर आ जाता है वो आ जाता है LG कंपनी का वेबॉस के नाम से। और अब बात करते हैं इस स्मार्ट LED के अंदर जो है ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहले आपको अपने रिमोट से जो है सेटिंग के बटन को प्रेस करना है। सेटिंग के बटन को प्रेस करने के बाद जो पहले आपको ऊपर मिल जाता है पिक्चर मोड, यानी कि अगर आप कोई मूवी वगैरह चला रहे हैं आप इस LED के अंदर में, तो जो आप पिक्चर मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको इस स्मार्ट LED के अंदर जो है दूसरी सेटिंग मिल जाती है साउंड मोड की, यानी कि अगर आप कोई मूवी वगैरह चला रहे हैं तो आप उसमें भी जो है साउंड मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तीसरी सेटिंग मिल जाती है इसमें जो है आपको साउंड आउटपुट की, यानी कि अगर आपको TV का साउंड अगर होम थिएटर पर प्ले करना है तो जो है आप TV का साउंड जो है अपने होम थिएटर पर भी प्ले कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको जो है इसमें जो है ओके का बटन प्रेस करना है और आपको राइट हैंड में जो है रिमोट से जो है प्रेस करना है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा साउंड आउटपुट यानी कि ब्लूटूथ डिवाइस, और डिवाइस लिस्ट पर जो है आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो है जो आपके घर पर जो होम थिएटर लगा होगा उसका जो है यहाँ पर जो है नाम आ जाएगा, यानी कि जैसे कि अभी मेरे शोरूम पर जो होम थिएटर लगा हुआ है वो लगा है रिफैप के नाम से। उसके बाद जो है आपको दोबारा अपने स्मार्ट LED में जो है आपको जो है जो होम थिएटर का जो नाम आएगा उसके साथ जो है आपको अपनी स्मार्ट LED को जो है कनेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्मार्ट LED में जो है मेरे होम थिएटर का अभी यहाँ पर नाम आ चुका है, अभी यहाँ पर दिखा रहा है डिसकनेक्ट करके। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है दोबारा से कनेक्ट करना है, यानी कि जो है एक बार मैं कनेक्ट करके देख लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो अभी मेरी स्मार्ट LED है यानी कि जो LG कंपनी की जो स्मार्ट LED है वो जो है होम थिएटर से जो है अभी कनेक्ट हो चुकी है। अब जो है इस स्मार्ट LED में जो है मैं एक बार जो है सॉन्ग वगैरह प्ले करके देख लेता हूँ। अभी फाइनली जो मेरी स्मार्ट LED है वो जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट हुई है या नहीं हुई है। तो जो है एक बार हम इस स्मार्ट LED में जो है यूट्यूब प्ले करके देख लेते हैं कि इसमें जो है अभी ब्लूटूथ हमारा कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड फाइनली जो मेरी स्मार्ट LED है उसमें जो है ब्लूटूथ जो है कनेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड इस प्रकार जो है आपको जो है अपनी स्मार्ट LED में जो है ब्लूटूथ की जो है कनेक्टिविटी करनी है। और जितने भी जो है LG के जो मॉडल वगैरह आते हैं उनमें अगर आपको ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करना है तो जो है आपको जो है इसी तरह जो है ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड आई होप आपको यह छोटी सी वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो हमारी छोटी सी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले होम अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड इसके अलावा भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है कि LG स्मार्ट LED के अंदर जो है नेट की कनेक्टिविटी कैसे की जाती है और कैसे LG की स्मार्ट LED के अंदर जो है ऐप वगैरह डाउनलोड किए जाते हैं, तो जो है मैंने इसकी भी जो वीडियो जो है अपने YouTube चैनल पर जो है पूरी डाल रखी है। तो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है LG जो है स्मार्ट LED में नेट की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं तो उसकी भी वीडियो जो है पूरी आप मेरे YouTube चैनल पर जो है आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड आप करते हैं वीडियो को यहीं पर ही क्लोज। धन्यवाद।